आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी लेके हम हाजिर हैं, जिसके लिए हमने आधी कटोरी बेसन ले लिया और इसमें थोड़ी सी हमने मिला दी हल्दी और पानी मिलाते हुए घोल बना लेना। और हमें ये घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, थोड़ा पतला ही रखना। तो ये रेसिपी में हम बहुत ही कम तेल यूज़ करने वाले हैं, ना मात्र ही तेल यूज़ होगा इसमें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। तो इस तरीके से हमने घोल बना लिया बेसन का। अभी हमें एक और घोल बनाना है, वो हमने ले ली सूजी आधी कटोरी। इसके अंदर बड़ा चम्मच खट्टा वाला दही, तो कल का दही है जी, इसलिए थोड़ा खट्टा है। थोड़ा सा नमक मिला दिया और पानी मिला के इसका भी हमने घोल बना लेना। तो एक सार कर ले सूजी और पानी को अच्छे से, इस तरह से। थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि इसे भी 15 मिनट हमने रेस्ट करने के लिए रख देना ढक के। अभी हमने एक तैयारी और करनी है। एक चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लेनी है, आधा चम्मच टोमेटो केचप, आधा चम्मच ग्रीन चिल्ली जो सॉस है वो ले लेनी है, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी, चुटकी भर नमक और साथ ही साथ चाट मसाला भी आधा चम्मच डाल दिया और आधा चम्मच ओरिगैनो। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, ये देखिए। अभी हमने इसके अंदर कुछ पनीर के पीसेस डाल देने हैं, थोड़े छोटे साइज़ के कर लिए हमने। इन्हें अच्छे से अभी मिला लेना, इस जो हमने ये मसाला सा बनाया ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखें पीस ज़्यादा टूटे ना। लो जी, ये भी तैयार हो गया। तो 15 मिनट हो गया सूजी को रखे हुए और ये देखिए अभी सूजी काफ़ी फूल गई है और गाढ़ी हो गई है। इसको थोड़ा सा हमने पतला कर लेना है। तो इसके अंदर मिला दिया पानी, तो अच्छे से इसे मिक्स करते हुए पतला करना है। इसके अंदर हमने कोई भी इनो या तो कोई मीठा सोडा वगैरह नहीं ऐड करना, क्योंकि गर्मी बहुत है और दही जो हमने डाला वो खट्टा दही था। तो ये अच्छे से अभी हो गया सूजी फूल गई है और जो हमने बेसन का बैटर बनाया ना उसके अंदर इसको मिला देना है। इस तरह से मिक्स कर लीजिए। सूजी और बेसन को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा नमक मिला दिया, कुटी लाल मिर्च मिला दी थोड़ी सी और हरी मिर्च भी मिला दी, प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, साथ ही साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च, टमाटर बारीक कटा हुआ। इन सबको मिक्स कर लेना और गैस पे हमने रख दिया पैन। और देखिए थोड़ा सा तेल लिया हमने, एक चम्मच छोटा, इस तरह से फैला दीजिए। ग्रीस कर लीजिए सारे पैन को और बैटर को थोड़ा हिला लीजिए। और गैस हमने मीडियम ही रखी है, इस तरह से फैला देना। एक और कलछी, ये बहुत छोटी सी कलछी है, इस तरह से हमने फैला दिया। अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर रख देने एक ब्रेड। तो ब्रेड चाहे आप ब्राउन वाली लो चाहे वाइट वाली, जो आपके घर में हो वो ले सकते हो। और अभी इसके ऊपर हमने लगाई पिज़्ज़ा सॉस और साथ ही साथ टोमेटो केचप आधा चम्मच, साथ ही साथ जो ग्रीन चिल्ली सॉस होती है ना वो भी लगा दी थोड़ी सी। तो अभी जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना पनीर वाली, वो इस तरह से लगा देनी है। तो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनने वाली है। अभी कच्चा प्याज है ना जो, वो लगा दिया थोड़ा सा, साथ ही साथ टमाटर, टमाटर के बीज निकाल के इस तरह से दो चार पीस लगा दिए। ऊपर से फिर से हमने बेसन वाला जो बैटर है वो इस तरह से फैला दिया। जब ये पक जाए ना तो किनारे आप काट सकते हो कर्द के साथ जो एक्स्ट्रा है। अभी इसको हमने ढक देना 3 मिनट के लिए। तो गैस अभी हमने लो कर दी है, ये देखिए अच्छे से एक साइड से हो चुका है। अभी हमने इसे पलटी लगाना है, लेकिन पैन एकदम से ड्राई है क्योंकि बहुत हमने कम तेल लगाया था। तो थोड़ा सा उतना ही तेल फिर से लगा देते हैं, बहुत छोटा सा चम्मच, इस तरह से। अब इसको पलटी लगा देते हैं और अभी इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ी देर सेक ले। और ये देखिए, ये हमारा सैंडविच वो तैयार है। और इसी तरह से हमने दूसरा भी बना लेना। तो फ्रेंड्स, बढ़िया सा टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता हमारा बन गया। और अभी हम इसको काट के दिखाते हैं आपको सेंटर से किस तरह से है जी। तो चाहे आप तिकोनी शेप में काट लीजिए, तो मैं इस तरह से सेंटर से ही काट रही हूँ इस तरह से। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और उतना ही स्वादिष्ट है, उतना ही हेल्दी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।